सो गाइस आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे डी के एन ऑनलाइन व्लॉग्स पे। और हम लोग आ गए हैं मार्केट में और शॉपिंग करने वाले हैं जबरदस्त घर के लिए कुछ न कुछ। और बस ये पहले ही मना कर दी, कुछ नहीं करेंगे है, हम अपना टाइटल पहले ही खोजने की कोशिश करते हैं और एक पानी से फेर देती है, कुछ नहीं क्या। मिल जाएगा क्या पूछते हैं, तो आ गए हम लोग हाँ बैठने के लिए। ये बैठने के लिए है, कितने होंगे ना। सबको मना करते, मानता नहीं है, आता जरूर है पीछे पीछे। पसीने से नहा ली, सारा मेकअप छूट रहा है, मेकअप कुछ करके नहीं है, मेकअप कुछ करके पता है पसीने में जब। सो गाइस देख सकते हैं अपने दल्लभ के लिए लेने आए हम लोग, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। देखो आओ, थक गई क्या? थक नहीं, गर्मी हो रही है, गर्मी तो सभी को लग रही है। अब गर्मी तो ही पड़ेगा, अब जो जरूरत है तो लास्ट मंगलवार है ना, ऐसी जगह पे। तो आज हमने छुट्टी लिया तो हम सोचे चलो कुछ शॉपिंग ही कर लिया जाए। ये हमारे बेड का था और ये जो उसका फोम होता है ना, ये नोच नोच के खाता है उसको, तो हम सोचे इसको लेके लगा देते हैं। चलो पैसे उसे दो, हम लोगों ने खरीद लिया, अब चलते हैं थोड़ा मार्केट में, अब देखते हैं क्या लेना है वन्ना जी को। ये देखो बच्चों का कपड़ा है यहाँ पे ऋषभ के लिए। हाफ पैंट ले रहे हैं तो ऋषभ मना कर रहा है, कह रहा है नहीं। क्या लोगे बेटा? टी शर्ट लेगा, लोअर लेगा, हाफ पैंट नहीं लेगा। आज मार्केट में जबरदस्त भीड़ है, लास्ट मंगलवार है ना, बहुत जबरदस्त भीड़ है। आप देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं, अल्लाह भी चल रहे हैं, उधर बाहर भी दुकानें लगी हुई है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये सिस्टर आ गए, नमस्ते, बढ़िया। तो घर में मेरा मत बनाइए, वंदना जी को पहचान नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ भी है ना, ये तो आज मैं छुट्टी ले रखा था, मैं बोला चलो इनका टेम्पर्ड ग्लास टूट गया, हमें लगवा देते हैं। तो वन्ना जी को पहचान गई, मिली है उनसे। और भैया फोटो खींच रहे हैं वन्ना जी के साथ, तो भैया सबके साथ फोटो ले रहे हैं। और लीली नाम से फेमस है, करे लीली नाम। ऋषभ भी शर्माता है, बहुत शर्माता है ये। गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रहा है ना, भैया खोज रहे हैं भाई। तो ये कहते हाँ ये इधर विराट साइड का एरिया। तो हम लोग मार्केट में थे, हमारे YouTube की फैमिली के एक मेंबर हम लोगों से मिल गए, देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है, बहुत ही पसीना हो रहा है। भैया खड़े हैं इधर, हम लोगों का टेम्पर ग्लास लगा रहे हैं, ये भी पता नहीं कैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, गर्मी क्या ठंडी क्या। तो ये भी गर्मी में देख सकते हैं खड़े हैं, वल्लभ जी अपना टेम्पर ग्लास लगवा रहे हैं, मैंने तो अपना लगवा लिया था, लगाएंगे ना, दिखा रहे हैं, मैंने अपना लगवाया, मैं बोला वन्ना जी का भी लगवा देते हैं, इनका भी उद्धार कर देते हैं, काफी दिन से टूटा टेम्पर ग्लास लेके घूम रही है। बच्चे गिरा देते हैं ना, ऋषभ ना बहुत खाता है ये। इधर देखिए मंदिर है, लग गया वन्ना जी का टेम्पर ग्लास, कवर खराब है, साफ कर दीजिए, चमका दीजिए, चमका दीजिए।
खराब नहीं है, कवर सही है, थोड़ा गंदा हो गया और क्या। भैया कवर को भी चमका दे रहे हैं। दुकान वाला बोल रहा था भैया पत्रकारों पुलिस वाले का कुछ करो, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं रोड पे। फिर मैंने उसको समझाया है, इतना भीड़ है ऐसा लग रहा है सिरिंज मिल रहा है, लोग लूट मचा रहे हैं। तो दुकान वाले भैया को समझाया, भैया पुलिस वालों का काम है, आप रोड पे लगाते हो रोड जाम हो जाता है, तो पुलिस वाले का काम है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पसंद नहीं आया ऋषभ को? चलो ऋषभ फिर कभी आएंगे, जाने दो, बहुत गर्मी है, लेके जाओगे? देख लो एक दो कपड़ा इसको, बड़ा बड़ा है, देख रहे हो? भैया दिखा देना इसके आपको। ये देखिए मौसम चढ़ रहा है, देखते हैं बारिश होता है कि नहीं होता है। गर्मी से एकदम बुरा हाल है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, कपड़े वपड़े सब भीग गए, देखिए उनका भी कपड़ा भीग गया, ऋषभ अलग से हो रहा है। तीन टी शर्ट लिए ना? तीन टी शर्ट लिए, कह रहा पैंट लेंगे, चलो पैंट देखते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही, लेकिन वंदना जी गुलगप्पे खाना नहीं भूलती हैं, जाते जाते बोली गुलगप्पा जरूर खाऊंगी। देखिए पसीने से लथपथ हो रखी हैं, लेकिन गुलगप्पा जरूर खाएंगी हम मार्केट में। और इधर मोमोस वाला है बगल में, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा बनाता है वो भी, और इनके खाने के बाद फिर मैं भी खा लेता हूँ, पहले ये खा लें। देखें तो गाइस हमने भी खा लिया गोलगप्पे, और अन्ना जी खा रही थी, ऋषभ हो रहा कि इसको फ्रेंच फ्राइज दिला रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहा है, कह रहा यही खाएंगे, गोलगप्पे खा रहा है। और मार्केट में मेरे दोस्त मिल गए हैं, ये विकास भाई हैं, बिहार से हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं, और मिल गए मार्केट में। हमारा भी दोस्त है, उसका एनिवर्सरी है, तो उसके एनिवर्सरी में जा रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ही काम कर चुका है, बातचीत होता है, और उसके एनिवर्सरी में जा रहे हैं, तो इनको कुछ गिफ्ट लेना था, तो हमारे पास फ़ोन किए हैं कि भैया कुछ सरी के लिए गिफ्ट चाहिए, तो हम इनको बताए हैं कि क्या क्या लेना है, कई आइटम बताए हैं, लेकिन इनको बोले कि टी शर्ट और जींस दे दो, जेंट्स का है, अगर लेडीज का देना हो तो भाई अलग प्रोग्राम बनाओ अपना, और जेंट्स के लिए किसी दोस्त है तो दोस्त है तो दोस्त को ही देंगे, जींस पैंट टी शर्ट दे दो या टी शर्ट दे दो, जैसा आपका बात व्यवहार हो। तो चलिए इनको कुछ देखते हैं, दिलवा देते हैं। तो हम लोग बोले हैं कि ले लो एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट, और भाई आया है साथ में, तो हम लोग बोलते हैं दिलवा देते हैं। अभी लेंगे, मिल लेगा, अरे नहीं भाई नहीं चाहिए, इतना टी शर्ट खुद मेरे पास है, मैं क्या करूँगा इतनी गर्मी में कौन कपड़ा पहन रहा है, अब कहीं आना जाना होगा तो खरीदेंगे, तो ले लेता हूँ, लेकिन हम लोग का चॉइस थोड़ा अलग ही है, तो बोला कि दिलवा दो, और साथ में मिल के भी गए मार्केट में, और बहुत दिन बाद मिले हैं। तो चलिए दिखवाते हैं फिर कौन सा लेते हैं हम लोग। भैया ने इतना दिखा दिया, अभी तक पसंद नहीं आया, और इन्होंने एसी नहीं लगवा रखा, पंखे ही चल रहे हैं, और काफ़ी गर्मी लग रही है, सब गर्मी मारा बेहाल है। भैया से बोले तो भैया कहें हम काम करते हैं, हम बोल नहीं सकते। तो चार्ली के यहाँ देखे पसंद नहीं आया, भैया के यहाँ से ले गए थे, यहाँ पे हम दो तीन टी शर्ट, तो यहीं पर पसंद आया, तो हम आ गए इस दुकान पर, उस दुकान में मुझे कोई टी शर्ट पसंद नहीं आया, तो हम कहें यहाँ सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर टी शर्ट पसंद आया मुझे, इधर लगा हुआ है बाहर, देखते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं टी शर्ट, ये देखिए अच्छा लग रहा है, सभी जितने लगे हुए हैं, और ये सब देखिए इधर भी पीछे पीछे लगा रहता है, छोटा बड़ा होगा तो वापिस होके मिल जाएगा ना दूसरा। हाँ हाँ मिल जाएगा सेम, छोटा बड़ा अगर नहीं मिलेगा तो अभी आधा घंटे में आपके लिए चीज इसके लिए हाँ, तो एक्सेल सही तो आ जाएगा, तो मेरा तो एक्सेल टी शर्ट कितने में ले गए मैं ये ले गए 500 अभी तीन टी शर्ट ले गए थे हम, वीडियो दिखाऊं वीडियो ही हमारा प्रूफ हो जाता, वंदना जी को नॉलेज हो गया। सो गाइस हमारी खरीदारी हो गई है, और पसीने से हो गए भैया लोग, तो इतना बड़ा दुकान खोल रखे लेकिन एसी नहीं लगवा सारा पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, क्या करें, कोई भी एसी नहीं लगवाया, गर्मी में ही खरीदारी करनी पड़ रही है। तो आ जाओ ना वहीं से, ये हमारे यहाँ का मार्केट है, देख सकते हैं, और हाँ यही हम लोग खरीदारी करें, ले लिए भैया, आ जाओ, विकास भी हंस रहा मेरे साथ, आओ ले।
मीठा वाला। जाते जाते हम लोग सोचते हैं आम ही खा लेते हैं, आम ले लेते हैं, खा नहीं लेते, ले लेते हैं, और यही सीजन है आम खाने का, नहीं चला जाएगा फिर मजा भी नहीं आता खाने में। रोज के बाद ही महीने के बाद भैया आम मिलेगा नहीं, सब लेते हैं। और ये आम देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पेड़ का आम होता है ना, वैसा लग रहा है, छोटा छोटा अच्छा लगता है। छोटा बढ़िया, एक आम नीचे गिर गया, रख देते हैं। तो चलो दोस्त मिलते हैं, चलो दिलवा दिए कपड़े इनको। सो गाइस हम सब घर पहुंच गए और देखिए पसीना से एकदम लत पतर हो गए हैं। वन्ना जी इधर अपना कील निकाल रही है चेहरे से, चेहरा एकदम सॉरी क्योंकि ये दिन भर अपने चेहरे को खोदती रहती है, ऐसे 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 करके लोचती रहती है। और ये सब देखो टी शर्ट लाया और तुरंत पहन लिया, कैसा लगा टी शर्ट कैसा लगा? अच्छा और नीचे दिखा दे अपना, और देखो मेरा और देखो। हम लोग बैठे थे इसी बीच मम्मी का फोन आ गया, मम्मी का फोन है, मम्मी को हमने फोन किया, मम्मी को फोन की हो, फोन नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे वन्ना जी बैगन बना, बैगन देख के काटना क्योंकि कीड़े बहुत निकलते हैं बैगन में। नहीं फ्रेश बैगन है, खेत का कितना भी फ्रेश बैगन हो फिर भी निकल जाता है, मम्मी उस दिन काटी थी तो नहीं, तो दूसरा बैगन था, ये दूसरा है। अच्छा देखते हैं फिर भी, चश्मा लगा लो अपना, तुम्हारा चश्मा कहा है? मम्मी का चश्मा देखे तो तुम्हारा चश्मा है, क्यों लगाती नहीं थी पहले? पहले चश्मा तो एक बार गिर गया था ना। और रात को बाल कौन झाड़ता? तुम बाल झाड़ रही हो रात को? अरे बाल नहीं झाड़ रहे थे। रखो कंघी चलो, ये सब तो अपने कपड़े के पीछे ही पड़ा है। सवेरे गए रही करवाया रही, रिपोर्ट सही नहीं आया, पीछे फिर नाइटी पहने। आए तो फिर हम यहाँ खिलाए खाना, दाल चावल आलू का भुजिया वगैरह, आलू भुजिया रहा देख के थे। और कुछ बनाओगे? बस आलू बैगन बनाओगे? पचमेल बनाई थी वैसे बनाना, फिर चोखा की तरह मिट्टी का प्लेट लेके आ। अब कोहड़ावरी और लहसुन मत डालना, तो शांत रह, शांत रहेंगे तो बनेगा कैसे खाना? हम वही जो खाए थे वही खाए थे, ऑफिस में कुछ नहीं खाया पता है। कोरोडी मत डालना बहुत गंदा लगता है। ऋषभ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लेके आया, ऋषभ अपना कपड़ा ही नहीं छोड़ रहा है बताओ। अब कुछ दिन कपड़ा ही लेके घूमेगा ये, ऐसा है लड़का ये। कौन दिलाया है? नहीं गांव में तो कौन दिलाया कपड़ा? हो रही है हल्का हल्का, बोलो आप। अच्छा याद, बिल्कुल बारिश नहीं दे रही हूँ। So guys, यहाँ सोनाक्षी ऋषभ को पढ़ा रही है और ऋषभ है कि देखो इतना बड़ा नारियल लेके बैठा है, इतना बड़ा। क्या ऋषभ पानी उनी है कि बस ऐसे झूठे पी रहे हो? इधर आओ। फिनिश हो गया, देखो गिरा लिया कपड़े को, देखो लाओ इधर मैं निकालूंगा, लाओ तुमसे नहीं निकलेगा, लाओ गिलास में नहीं निकलेगा, दो इधर ऋषभ को पढ़ाओ। चलो मंडी की स्पेलिंग बता। सो गाइस अपने वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।